दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार दिवाली के मौके पर कनॉट प्लेस पर भव्य तरीके से दिवाली मनाने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि जिसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यह कार्यक्रम 26 से 29 अक्टूबर तक शाम 6 से 10 बजे तक होगा। सभी दिल्लीवासी इस प्रदूषण रहित दिवाली के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर को माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। हम सभी वहां मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम को करने से हमारा मकसद है कि दिल्ली में प्रदूषण रहित दिवाली मने। इस वजह से ही दिल्ली सरकार यह शो कर रही है। दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कनॉट प्लेस में कार्यक्रम के लिए इनवाइट करता हूं और प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कनॉट प्लेस में हर एक घंटे का लेजर शो होगा, साथ ही कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पटाखे जलाने की जरूरत महसूस न करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल कार्यक्रम के लिए एक जगह चुनी है, सफल होने पर अगले साल अलग अलग जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके अलावा कनॉट प्लेस में व्यापार पर असर पड़ने के व्यापारियों की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कनॉट प्लेस में लोगों के आने से व्यापार बढ़ेगा। इनर सर्कल में मैंने खुद पैदल चक्कर काटे हैं। वहां के ट्रेडर्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पूरी दिल्ली वहां आ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कनॉट प्लेस में लेजर शो के लिए हम स्पेशल पार्किंग का इंतजाम भी करेंगे। जल्द ही इसकी जानकारी पब्लिक के सामने रखी जाएगी। मनीष सिसोदिया ने एक और बात कही कि पटाखों से ज्यादा मजा लेजर दिवाली मनाने में है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से हुआ प्रदूषण हवा के रुख में बदलाव से पहुंचने के कारण राजधानी में हवा की गुणवत्ता फिर खराब स्तर पर पहुँच गई है। पंजाब केसरी दिल्ली। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।